महिलाएं किस तरीके से एक रोड ट्रिप पे जाती हैं और एक्साइटिंग चीज़ें महसूस करती है, एडवेंचर किस तरीके से हर कदम पर उन्हें दस्तक देते हुए दिखाई देता है, उसके बारे में ये शो है। और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा डिस्कवरी चैनल और हमारी एक कलेबोरेशन है जहाँ पर हम एडवेंचर लोगों के घरों तक भी जाना चाहते हैं। किस तरीके से लोग आज हर जगह अगर देखा जाए, सब लोग चाहते हैं कि रोड ट्रिप्स किए जाएं, जगह जगह ऑफ रोड क्लब्स बन रहे हैं, ब्रांड सपोर्टेड चार पांच ऑलरेडी इवेंट्स। इनफैक्ट ये जो ग्रोथ हो रही है एडवेंचर मार्केट में इंडिया की, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर बहुत लोग उत्सुक हैं जानने के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके से लोग करते क्या हैं भाई एडवेंचर रोड ट्रिप्स में, एक ही। और दूसरा, मुझसे हमेशा ये सवाल पूछे गए हैं पिछले काफ़ी सालों में कि आप जब जाती हैं अपने एडवेंचर ट्रिप्स पे, रोड ट्रिप्स पर, आप करते क्या हो, मतलब क्या क्या करना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है वो, बस एक पहलू हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को, किस तरीके से दो महिलाएं भी वो सब कर सकती हैं जो लोगों को लगता है सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आने वाले दौर में हमें बहुत सी, मैं ये नहीं कहूँगी इंडस्ट्री फीमेल सेंट्रिक होनी चाहिए, लेकिन बराबर की होनी चाहिए। जितने अगर पुरुषों के बारे में फिल्में बनाई जा रही हैं आज, अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर हैं। चाहे आपका प्रोफेशन हो, मीडिया प्रोफेशन हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेशन हो, हर जगह हमको पुरुषों और महिलाओं का बराबर का योगदान दिखाई दे रहा है। तो मुझे आशा है कि बॉलीवुड ये पहल करेगा दुनिया की दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले, कि यहाँ पर दोनों को बराबर का दर्जा मिलेगा। क्योंकि हॉलीवुड में तो वैसे भी बहुत मेल डोमिनेशन है, दो तीन चार फिल्में बनती हैं साल में जो सक्सेसफुल होती है, पर ज़्यादातर पे जो फिल्में होती हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं, मेल ड्रिवन है। और जो हमारा ट्रेंड हमने पिछले दो तीन साल से देखा है बॉलीवुड में, मुझे आशा है कि ये एक वन ऑफ नहीं होगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा ट्रेंड होगा जहाँ पर बराबर की एक्सेप्टेंस मिलेगी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स को और मेल ओरिएंटेड फिल्म्स को।